दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। गुरुवार की रात को मोही घाटी पर पलटी बस हादसे के बाद जिला पुलिस NHAI विभाग के अधिकारियों के साथ मोही घाटी पहुंची। इस दौरान घटना स्थल पर SP सुंदर सिंह गणेश, एडिशनल SP नीरज सोनी, NHAI व यातायात विभाग के अधिकारी, SDOP ब्रजेश भार्गव, SDM नेहा सोनी, तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, थाना प्रभारी अजय मरकाम मौजूद रहे। अधिकारियों के दल ने घटना स्थल का जायजा लिया और हादसों के कारणों की समीक्षा की। इस स्थान पर बने टर्निंग की वजह से बड़े हादसे होने को लेकर अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संभावित उपाय करने पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश ने NHAI के अधिकारियों को इस मोड़ पर सावधानी वाले सूचना फलक लगाने के साथ ही गति सीमा निर्धारित करने के लिए हाई मास्क लाइट लगाने व डिवाइडर के बीच लगे पेड़ों की छटाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के दल ने NH के सभी दुर्घटना स्थलों का जायजा भी लिया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर शेड नहीं बनने से बारिश के दिनों में यात्रियों की फजीहत हो रही है। ट्रेन पकड़ने और ट्रेन से उतरकर यात्रियों को भीगते हुए भागकर गिरते पड़ते सुरक्षित स्थान तक पहुंचना मजबूरी बन गया है। शनिवार दोपहर को बारिश के दौरान पहुंची अजमेर एक्सप्रेस गोंडवाना एक्सप्रेस से यात्रा कर पांडुरना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों के बहुत बुरे हाल हुए। महिला यात्री भागते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी, वहीं बच्चे भीगने से कांपने लगे थे। यात्रियों की सुविधा के लिए हो रहे विकास कार्यों से पहले ही यात्रियों को जान की कीमत चुकानी पड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की अमृतम भारत योजना के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, परंतु इनकी गति इतनी धीमी है कि यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। पिछले एक साल से यहां कार्य चल रहा है। धीमी गति के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर डिजिटल ट्रेन बोगी डिस्प्ले व प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने फुट ओवर ब्रिज का निर्माण ही हो सका है। ग्राम गोरली खापा के मकानों में रोजाना बारिश का पानी भरने से समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ रहने वाले सचिन महाले और किसना महाले ने बताया कि मोक्षधाम मार्ग से पानी की निकासी हो रही थी। PWD विभाग ने CC रोड में पाइप डालकर पानी निकासी की सुविधा दी थी, परंतु कुछ लोगों ने पाइप में गिट्टी सीमेंट भरकर निकासी अवरुद्ध कर दी, जिससे पानी मकानों और दुकानों में घुस रहा है। ग्राम पंचायत ने आदिवासी मोहल्ला में नई नाली का निर्माण कर इस नाली का पानी PWD विभाग द्वारा डाले गए पाइप से जोड़ दिया गया था, जिसे वार्ड क्रमांक 10 के लोगों ने अवरुद्ध कर दिया, जिससे पानी मकान के सामने और भीतर भरने लगा है। परेशान ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया, परंतु कोई कदम नहीं उठाया। अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए है भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना।